घंटे बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। रात में जो जंगल वाला रास्ता था ना, जिधर हम ट्रैकिंग करके ऊपर आए थे, खतरनाक लग रहा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द मॉनसून राइड। मॉनसून राइड के इस सीजन में एपिसोड 2 है और हम, जैसे कि आपने कल देखा, अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी, पिछले वाली वीडियो देखो, बहुत बढ़िया है। तो हम रुके हैं भाई यहाँ पे। बात करें यहाँ पे पहुँचने की, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ये है ऋषिकेश में, हम आए हैं ऋषिकेश घूमने। तो बात करते हैं यहाँ पे पहुँचने की। पहुँचने के लिए आपको यहाँ से हरिद्वार से आपको ऑटो या फिर बस वस से आपको ऋषिकेश पहुँचना होगा और फिर वहाँ से आपको यहाँ, क्योंकि यहाँ तक ट्रैवलर्स चलते हैं जो कि नीलकंठ तक जाते हैं, तो उस वाले ट्रैवलर में बैठ के आप आ सकते हो, जीप जिसे कहते हैं। तो होटल चार्जेस की बात करते हैं तो नॉन एसी रूम जो है वो है 2500 रुपये फॉर 2 पीपल्स विदाउट फूड। और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये जो है आप ये देख रहे हो ऊपर, वो है एसी कॉटेजेस और ये है बिना नॉन एसी के, बट नॉन एसी भी चलेगा भाई क्योंकि कूलर लगा हुआ, पंखा लगा हुआ है, बहुत बढ़िया है। और भाई व्यू बहुत ही अल्टीमेट है यार यहाँ का, है ना। सबसे बड़ी बात है कि आप व्यू चूज़ करते हो, अगर पहाड़ में आते हो तो आप व्यू चूज़ करते हो। और ये देखो ये जो पूरा एरिया है ना। और भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि हम रात के 8 बजे तक वहाँ बैठे थे, बहुत बढ़िया लग रहा था। मतलब ये एक नदी नहीं कह सकते, हाँ नदी कह सकते हो अब इसको। तो यहाँ बैठे थे हम उस पत्थर के पास और अभी जाएंगे भाई नहाने वहाँ पे, पूरी वीडियो शूट करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए आते हैं भाई यहाँ पे स्टे करना आप, ठीक है। और 2500 रुपये आप, मतलब फॉर 2 पीपल्स, ठीक है, विदाउट फूड। एक वहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे जाके खा सकते हो आप। कम प्राइजेस हैं, मतलब कम प्राइस में चाहिए। वैसे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो यहाँ पे, बट मेन्यू थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे तो मैंने ऑर्डर नहीं किया यहाँ से। तो अब वहाँ पे ढाबा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ से रास्ता आने का, यहाँ पे पार्किंग है और रूम एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इस वीडियो। ये देखो भाई ये है रूम, इधर चार सॉकेट लगा, उधर चार सॉकेट लगा है और इधर कूलर लगा हुआ है। और यह है इसका वॉशरूम जो कि काफी अच्छा है। और ये मैं, तो भाई अभी बजे हैं सुबह के 7 और 7 बजे यहाँ से निकल के हम लोग चलते हैं सीधा नदी में नहाने। भाई बहुत मजा आने वाला है यार, अब वीडियो में बने रहना, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। नदी में नहाएंगे चल के हम और वहां बैठेंगे, फोटो खींचेंगे। अगर अपने 2 दिन के लिए ट्रिप देख रहे हो, 2 दिन में आप घूम सकते हो पूरा ऋषिकेश। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। यहाँ पे ऋषिकेश में यहाँ पे रुक सकते हो आप, ऋषिकेश घूम के आओ, यहाँ पे मजे करो, अल्टीमेट है भाई। चलो नीचे चलते हैं यहाँ से अब। चल 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 चल। तो भाई हम लोग चल पड़े हैं सुबह के 7 बजे, निकलते हैं यहाँ से। निकलते क्या है, पानी में जा रहे भाई नहाने। ये देखो इधर का रास्ता है, यहाँ से ना शॉर्ट कट रास्ता बना रखा है उन्होंने, एक आगे से भी ये रास्ता, बट हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। तो हम चल रहे हैं इधर से, ये देखो छोटा सा रास्ता है जिधर से रात में गए थे। और रात में आने में भाई क्या हालत ख़राब हुई थी यहाँ से, क्या ही बताऊँ मैं आपको। जंगल वाला रास्ता, हमें तो लग रहा था कोई कुछ मिले ना, बस हम इधर से देख रहे हो पत्थर पे पैर बचा के चलना पड़ता है यहाँ पे। अगर अब बेटर कि अब दूसरा रास्ता ले लो जो कि थोड़ा आगे से है, थोड़ा घूम के। वी ऑलवेज यूज शॉर्टकट्स यू नो। तो मेरे को किसने बताया यार यहाँ पे, जब मैं पिछली बार आया था तो मेरे को किसने बताया कि यहाँ पे भालू वालू आता है रात में पानी पीने। अच्छा, क्योंकि मेन सोर्स यही है नदी की। अगर देखो अभी तो बरसात का मौसम है, अभी हर जगह पानी मिल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पानी पीने आए। बट क्या होता है कि जब सूखा पड़ता है जुलाई के महीने में या फिर यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है कि इस नदी के पास सारे जानवर पानी पीने आते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं ये तो मुझे नहीं पता। अब मुझे ये वाटर क्रॉसिंग करनी है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है कि आपको इतना भी ठंडा पानी नहीं है यहाँ का, पानी मस्त है भाई, है ना। तो यहाँ पे इतना ठंडा पानी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। यहाँ से जो है पूरा इलाका यहाँ पे, इधर की तरफ जाओगे तो
आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ टेंट ही टेंट मिलेंगे, रिवर साइड कैंप्स। यहाँ रखते भाई अपना सामान हम। भाई यहाँ पे नहाने वाले हैं। ये इसका पानी जो है अभी वो इतना साफ नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, ऊपर तो मटमैला पानी आ जाता है ऊपर से, बट भाई पिछली बार जब आया था ना एकदम ऐसा पानी लग रहा था जबरदस्त। एक बार देखता हूँ नीचे जाके। भाई नहाने आया हूँ यहाँ पे, देखो पानी के अंदर, और ये पानी जो है वो थोड़ा ठंडा है बट मैनेजेबल है, अभी बारिश के टाइम में कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओ, ये देखो ये अचानक से पानी का आया था इधर से। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी मजा आ रहा है। भाई पानी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। भाई नहाने में काफी मजा आ रहा है यहाँ पे, मैं बता दूँ तुमको, तुम लोग कभी आना चाहते हो ना इधर मसूरी सिरी मत जाओ। तो भाई नदी में नहाने के बाद अब हम चले सीधा होटल की तरफ और अपने रिजॉर्ट में जाके चाय पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर निकलते हैं कानाताल के लिए। आपको लेके चलूंगा पहले मैं टिहरी डैम। तो भाई पहले अगर वीडियो नहीं देखी आप पूरी वीडियो देखना, मानसून सीजन की बारिश हुई थी, हम लोग बारिश में आए नहाते हुए और यहाँ तक अभी तक बारिश नहीं हुई ऋषिकेश में, क्योंकि वेदर फॉरकास्ट में कई बार दिखाता है कि भाई 90% बारिश, 80% बारिश, रेनफॉल अलर्ट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ से चलते हैं ट्रैकिंग करके ऊपर की तरफ। ये देखो ये ट्रैकिंग करनी पड़ती है भाई इसकी, ये है जंगल चारों तरफ और इधर बहती है नदी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी दिल्ली वालों, बहुत पास में तुम्हारे आ सकते हो यहाँ पे बड़े मज़े से, और एक दिन में आप हरिद्वार ऋषिकेश हर जगह घूम सकते हो सैटरडे संडे में हम आए। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ और आपको मिलते हैं रिजॉर्ट में। कपल्स के लिए भाई बहुत बढ़िया जगह है ये तो। ये इनके फ़ोन नंबर्स हैं भाई, अगर आप किसी को विजिट करना हो फ़ोन नंबर्स। और ये है आगे का व्यू, वो है हमारा रिजॉर्ट। दिन के टाइम में कुछ ऐसा लगता है, ये देख रहे चप्पल के निशान हमने कर रहे हैं रात में। तो भाई दिन के बजे हैं 8:30 और हम लोग कर रहे हैं चेकआउट यहाँ से एक व्यू के साथ, बहुत अच्छा था ये। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि भाई इसमें जो है क्या है कि अभी सीज़न का टाइम आने वाला है, तो उन्होंने बताया कि सीज़न के टाइम में जो है प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो आपको मोल भाव करना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी जो है 2500 रुपये इस के हम पे कर रहे हैं दो लोगों के लिए विदाउट फूड। और ये जो है भाई इस व्यू को, इस रूम को छोड़ के हम चल रहे हैं भाई अपनी बुलेट के पास। चलो फिर चलते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं टिहरी डैम, और टिहरी डैम की जो है वो दूसरी वीडियो होगी, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, पूरा वीडियो देखना भाई, अगर पूरा नहीं देखोगे ना मज़ा नहीं आएगा। कैसे कैसे मस्ती करते हैं यहाँ पे आपके, वर्चुअली दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो पूरी वीडियो देखना और अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक वाला बटन दबाना, पैसे थोड़ी लगते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए।